सीतामढ़ी जिले के बथनाहा प्रखंड क्षेत्र के बथनाहा हनुमान मंदिर के पास एक निजी कोचिंग सेंटर के छात्र छात्राओं ने सैकड़ों पौधारोपण किए। इस अवसर पर महंत कुमार ने कहा कि बथनाहा हनुमान मंदिर से बथनाहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाने वाली सड़क के दोनों ओर पौधारोपण किया गया। लगभग 1 किलोमीटर में पौधारोपण किया गया। उन्होंने कहा कि सभी को इस पर्व एवं त्यौहार सहित खास दिन पर पौधारोपण करना चाहिए। पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। ब्रजेश भंडारी ने कहा, देश प्रदूषित हो चुका है, इस कारण जलवायु परिवर्तन की मार से पूरी दुनिया खतरे में है। इसी तरह सरकार, संगठन और समाज को एक साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ना चाहिए। इस मौके पर ब्रजेश भंडारी, महंत कुमार सहित दर्जनों छात्र छात्राएँ शामिल थे। सभी को पता है आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। जैसे अभी देखिए कितना भीषण गर्मी लगता है, जिसमें हमारे बिहार के बहुत सैकड़ों की संख्या में आदमी मर गए हैं। और कोई अभी नेता, मतलब जानवे का तो चुनाव का समय है, कोई नेता इस पर ध्यान नहीं देता है, सब अपना अपने में सब बिजी है। वैसे भी हम बथनाहा में युवा सबके साथ लगभग बथनाहा में 200 के करीब हम लोगों ने पौधा लगाए हैं। यह आज 5 जून है, जो विश्व पर्यावरण दिवस है, और हम लोग एक बच्चे लोगों के माध्यम से बथनाहा में एक पौधारोपण का अभियान चालू किया है, जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रख सके और ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है हमारी पृथ्वी पर। इसलिए पूरे बच्चे और हम लोग बथनाहावासी बथनाहा हनुमान मंदिर से लेकर हॉस्पिटल तक पौधा लगाने का कार्य कर रहे हैं, जो हमारे आने वाले दिन में हमारे बच्चों को यह सेफ्टी बरते और सुरक्षा दे सके। इसलिए हम लोग जोर शोर से अभियान चालू किए हुए हैं, और आने वाले दिन में हमारे बच्चे लोग भी ये चीज़ को सीख कर एक पौधा लगाएंगे, हमारे पृथ्वी पर हमेशा के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहेगी।